अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इस एप्लीकेशन का एक शॉर्ट टूर कराऊंगा। हमने लास्ट मंथ जो एक फ्रेश अपडेट लाई थी उसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल अपडेट रहा वो। तो इस अपडेट में हमने नॉर्मल कुछ चेंजेस की है और कुछ आपको याद होगा कि पहले ऐप इस तरह से नहीं दिखता था, इतनी सारी डिटेल्स इस मेन स्क्रीन पे नहीं आती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मेन स्क्रीन पे दिखाई दे और काफ़ी चीज़ें सामने रख दी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए ऐप में कोई भी चीज़ अगर चेक करना हो तो देखने। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऊपर जो दिख रहा है कंप्लाइंट स्टेटस चेंज, ये वाला पर, तो कोई भी स्टॉक का शरिया कंप्लायंस चेंज होता है, वो कंप्लायंस से नॉन कंप्लायंट या फिर नॉन कंप्लायंट से कंप्लायंट होता है, तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाया करेगा। और ये पिछले रिजल्ट्स को देख के कंपेयर करेगा, तो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। उसके बाद हमने एक अपडेट डाला इसमें जो मैक्सिमम ट्रिगर स्कैनर्स का, जो यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल्दो ये फीचर जो है ये सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए है, जो भी इस मैक्सिमम स्कैनर्स में जो भी स्टॉक हिट होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। अभी जैसे SOTL है, ये 4 स्कैनर पे आया और ये यहाँ पे आपको दिखेगा, ये 4 स्कैनर पे आया। अब अगर आपने कुछ चीज़ें ऐड की है जहाँ जहाँ आपको यहाँ पे ब्लॉग दिखाई देंगे, जो हमने ब्लॉगोस्फीयर बोले हो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारे सारे ब्लॉग्स यहाँ पे मौजूद है। और ये जो हमारा एक यूनिक फीचर है इस्लामिक स्टॉक एकेडमी, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको वीडियोस दिखाई देंगे, जो भी हमारे माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं उन्होंने जो वीडियोस बनाए, या फिर रिसेंटली एक वीडियो में महबूब भाई आए थे, या फिर फैसल भाई है उनके वीडियोस है, आकिब भाई है उनके टैक्सेशन के ऊपर जो वीडियोस है, ये यहाँ पे यूट्यूब पे जो अपलोडेड है वो दिख जाएगा। और माशाल्लाह हमारी टीचर आपा का भी जो ग्रुप है उसका भी एक ये एडमिन ने जो मीटिंग लिया था उसका भी वीडियो अवेलेबल है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आसानी से जा सकते हैं उस। और नीचे भी सारी कैप्सूल स्ट्रेटेजी के ताल्लुक से रखी हुई है वीडियोस, और यहाँ पे शरिया स्क्रीनिंग अवेयरनेस है जो हमारी शरिया टीम के द्वारा होता है, जरिए होता है, और आप इसमें सारी चीज़ें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ये भी देख लेंगे। तो ये एकेडमी में ये सेक्शन ऐड किया है और यहाँ पे एक आप देख रहे हैं कि टीचर आप। अब जो लास्ट का पार्ट है रिसेंटली अपडेट, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए है, मतलब जो अपडेट कर रहा है स्टॉक उसको दिखना चाहिए कि हाँ अपडेट हो रहा है या नहीं, उसके लिए। आप लोगों के लिए ऊपर जो रिसेंट जो शरिया स्टेटस चेंज होगा उसका यहाँ पे इंशाल्लाह विजिबल हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमारा ऐप का सबसे यूनिक फीचर जो है वो है तकवा सेटिंग, तो आप अपना अगर जीरो डेथ लेते हैं और जीरो इंटरेस्ट बेरिंग डेथ और जीरो नॉन परमिशेबल इनकम लेते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला, तो आप यहाँ पे इसको सेट करके, और आप मान लीजिए कुछ 20% ही रहने देते इसको, और यहाँ पे सेव तकवा सेटिंग कर लिया, तो आपको यहाँ पे 13 फाउंड अलाउट ऑफ 450 जो दिख के आ रहा है, मतलब आपके लिए 13 कंपनी से जो शरिया कंप्लाइंट है, जो कि आपको यहाँ पे एनालिटिक्स में दिखाई देगा। ये है एनालिटिक्स और यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। इसी तरह यहाँ पे और भी है ऑप्शन, अंडर व्यू है, डाउटफुल है, म्यूट है, नॉन कंप्लाइंट है, तो ये सारी एनालिटिक्स में रिपोर्ट आपको दिख जाएगी। तकवा सेटिंग में अभी वापस डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ से हमारे पास आपको रीच करने के लिए एक आसान तरीका जो है ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल या फिर क्या बोलेंगे फेसबुक पेज है हमारा, लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि हम टेलीग्राम पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने सवालात को पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कैटेगरीज भी है, जो आप इंडस्ट्री वाइज कैटेगरीज होती है वो यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे बैंक्स है, फिर बेरिंग्स है,
इसी तरह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की है कंपनी, तो ये सब इंडस्ट्री वाइज यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें और आते हैं, कैटेगरीज हो गया, सेटिंग्स है एप्स का, सेट ऐप का जो सेटिंग है वो इसमें दिखाई देगा। उसके बाद आपको रूल्स दिखाई देंगे यहाँ पे, जो हम रूल्स पर अमल करते हैं वो सारे रूल्स यहाँ दिखाई देंगे, पांचों रूल्स। इस पे आप गौर करें, काफ़ी लोगों के सवाल आते कि स्टॉक अपडेट कैसे होता है, तो उस ताल्लुक से यहाँ पे भी पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा। पहली बात तो हमारी स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है वो भी दिख जाएगा आपको, और आपको इससे काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा इंशाल्लाह। और एक ब्लॉक का शॉर्टकट यहाँ पे भी, और सिप कैलकुलेटर एक दिया है यहाँ पे, आप यहाँ पे अपना मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगा सकते हैं। 5,000 मंथली लगे, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न 12% है। 10 साल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक टेन्योर, जो आपने 10 साल डाला उस हिसाब से यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ये जो शो हो रहा है ना एस्टिमेटेड रिटर्न, तो टोटल अमाउंट आपका 17 लाख के करीब हो जाता है 10 साल में। ये जस्ट एक एस्टिमेट है, कैलकुलेटर यूज़ किया यहाँ पे। और एक चीज़ मैंने बीच में जो रोक दी थी वो है IPOs। काफ़ी साथियों का सवाल आता है ये IPO हलाल है, ये IPO शरिया कंप्लेंट है, तो मेरे भाइयों आप लोग सिंपल कुछ नहीं करना है, ऐप को हमेशा यहाँ से जो ऊपर का ये आइकन दिख रहा है साइन इन करके रखना है हमेशा, और ऐप हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। अगर आप कोई आउटडेटेड ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अपडेट्स प्रॉपर मिलने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं वहाँ पे। थोड़ा मीन्स आप वी कांट रिलाई, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको ऐप हमेशा अपडेटेड रखना है, और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये साइन इन रखना है आपके ईमेल आईडी से। साइन इन रखेंगे तो आपको रिसेंट सारे अपडेट्स नजर आते रहे। और IPOs जो मैंने बताया, ज़्यादातर साथियों का यही सवाल होता है कि IPO शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं है, तो मेरे भाइयों यहाँ पे जाइए, IPO पर क्लिक करिए, और यहाँ देखेंगे तो सारे अपकमिंग IPOs यहाँ पे मौजूद हैं। कोई अगर अवेलेबल नहीं है और एक दिन बचा है, मान ले कि कल आने वाला है, तो आप हमारे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम इंशाल्लाह उसको ऐप में अपडेट करके ऐड कर देगी। लेकिन अगर रिस्पॉन्स में डिले होता है तो भी आप हमें नोटिफिकेशन दे दे एक टाइप का, और ग्रुप में बता दें, इंशाल्लाह हमारी टीम एक्टिव है काफ़ी, आपको पहले भी बताया, तो वहाँ पर इंशाल्लाह कोई ना कोई मेंबर देख के और जो अपडेट करना है स्टॉक को IPO को उसको वहाँ पे अपडेट कर देगी। तो यहाँ पे सारे अपकमिंग IPOs हैं, और अपकमिंग मीन्स जो अभी तक लिस्ट नहीं हुए वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब IPO लिस्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ से वो स्टॉक हटा दिया जाता है अपडेट करके। तो ये हो गया एक शॉर्ट ऐप का टूर। हमेशा याद रखना कि आपको साइंड इन रहना है और ऐप अपडेटेड यूज करना है। एक चीज मैंने आपको और नहीं बताया जो यहाँ पे है, स्क्रीनर्स। यहाँ पे सारे आपको स्क्रीनर्स दिखाई देंगे, और यहाँ पे एडवांस स्क्रीनर है जो प्रीमियम यूजर्स के लिए, और आप अपने स्क्रीनर को यहाँ पे टिक करके फेवरेट में भी डाल सकते हैं, जो कि यहाँ आ गया, और इस बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको एक बात और बता दूँ, काफ़ी लोग नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अवेयर कम है, तो कभी भी आपको नोटिफिकेशन अगर देखना है कि नोटिफिकेशन प्रॉपर आ रही कि नहीं, तो हमेशा आपका ऐप सेटिंग में नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो उसका तरीका ये है कि इस ऐप को देर तक दबाया मैंने, और देर तक दबाने के बाद ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन जो है, ये अक्सर ये गूगल पॉलिसी है, गूगल प्ले पॉलिसी, जो ये बाय डिफॉल्ट बंद रख देता है। आप ऐप इंस्टॉल करेंगे या डेटा क्लियर करेंगे तो ये बंद रहेगा। तो आपको करना क्या है, इसको ऑन करना है, और ये ऑन होने के बाद अब इंशाल्लाह आपको कभी भी नोटिफिकेशन आने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा हमारा एक शॉर्ट टूर ऐप का। ये नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसकी दिखाई देगी, और यहाँ फेवरेट में आ जाएगा अगर उसको फेवरेट में ऐड कर दिया। तो ये एक शॉर्ट टूर था ऐप का, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा जो करंट वर्जन है, और इंशाल्लाह
जो भी आगे की चीजें हैं, न्यू अपडेट्स आएंगी वो भी इंशाल्लाह इसी पर आती रहेंगी टाइम टू टाइम, और इंशाल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा और रिफाइनमेंट इसमें देखने को मिलते जाएगा, ऐप इम्प्रूव करते जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इम्प्रूव ही किया है, आप सभी की दुआएं हैं। और ठीक है, बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया है। दुआओं की दरख्वास्त, जजाकल्लाहु खैरा यहाँ तक देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।